आशीष गुप्ता। फर्स्ट इंटर क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट यानी सारणिक। तो सारणिक में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में ये सीखा कि डिटरमिनेंट देखते हैं उसको एक्सपेंड करना यानी उसका विस्तार करना, उसकी प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज पर बेस कुछ क्वेश्चन। आज हम और क्वेश्चन लगाएंगे, प्रॉपर्टी पर बेस ही क्वेश्चन लगाएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्टली हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है प्रूफ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन है जिसमें 4ABC प्रूफ करना होगा। चलिए तो जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनका हम यूज करते हुए इनको सीखेंगे। चलिए देखते हैं, प्रूफ करना है हमें क्या काम करना है। हमें किसी भी तरीके से डिटरमिनेंट को छोटा करना है और जो डिटरमिनेंट है उसके अंदर जितना भी कॉमन मिलता जाएगा हम बाहर निकालते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से हम कॉमन लें, जीरो बनाएं। ये काम हमारा मेन रहेगा, सीधे विस्तार नहीं कर सकते हैं। देखिए पहली रो में कॉमन क्या मिल रहा है, ए बाहर निकाल लिया, दूसरी रो में कॉमन मिला बी बाहर निकाल लिया, तीसरी रो में कॉमन मिला सी बाहर निकाल लिया। ठीक, तो ए पहली रो से, बी दूसरी रो से और सी तीसरी रो से कॉमन निकाल लिया, इतना बचा। अब देखिए पहले कॉलम से ए कॉमन मिला, दूसरे से बी कॉमन मिला और तीसरे कॉलम से सी कॉमन मिला, तो ए बी सी फिर बाहर निकला और ए बी सी पहले से था तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गए। अब 1 1 1 आ गए, कहीं -1 है तो सिंपल सा तरीका कर लिया हमने, C1 को रिप्लेस कर दिया C1 + C2, क्योंकि अब हमें जीरो बनाना है। अब जीरो बनाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो जो स्टेप मैं करूं वही स्टेप आप करें, आप भी किसी अन्य स्टेप से भी कर सकते हैं, बस हल होना चाहिए और जल्दी आंसर आना चाहिए। तो C1 को रिप्लेस किया C1 + C2, यानी अब C1 के क्या आएगा, इन दोनों का सम। तो -1 + 1 क्या हो गया, जीरो हो गया, 1 - 1 क्या हो गया, जीरो हो गया, 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए हमारा रूल ये होता है कि हमें डिटरमिनेंट में सबसे पहला काम, तो अगर कुछ कॉमन मिलता है तो निकाल लें, कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो हम रो को रो से माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, या फिर हम कॉलम को प्लस कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं। ये हमें सीखना पड़ेगा कि हम किसको करें, ये तो जब आप क्वेश्चन लगाते जाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम इसमें क्या करें, किसको किसको ऐड करें या किसको माइनस करें। ठीक, तो उसके बाद अगर 1 1 आ जाता है तो हम सीधे माइनस या प्लस करके उसको जीरो कर लेते हैं। जैसे यहाँ -1 + 1 आया तो हमने C1 + C2 कर दिया, केवल 1 1 आता तो माइनस कर लेते। ठीक, अब जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा जीरो मिले हमें उसी के रिस्पेक्ट में ओपन करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले कॉलम में ज़्यादा जीरो हैं, दो जीरो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दो ही जीरो पाएंगे एक रो या एक कॉलम में, क्योंकि 3 एलिमेंट ही हैं। तो पहले कॉलम के अलॉन्ग हमने एक्सपेंड कर दिया, और साइन तो हमें पता है प्लस माइनस प्लस कैसे होते हैं उस तरीके से। तो 2 प्लस का आएगा, तो 2 प्लस का आएगा, तो 2 की रो 2 का कॉलम बंद किया तो 1 + 1 यानी 2 हो गया, यानी 4 हो गया, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो पहले से था ही। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसी तरीके से प्रूफ करना है, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। देखिए अगर किसी रो या किसी कॉलम में हमें 1 1 दिख रहा है, अगर रो में दिख रहा है तो कॉलम को हम माइनस करेंगे, C1 को रिप्लेस करेंगे C1 - C2 और C2 को करेंगे C2 - C3, और अगर हमें कॉलम में मिल रहा है तो हम रो को माइनस करेंगे, यानी R1 को R1 - R2, R2 को R2 - R3। ठीक, अब उसके बाद हमारा काम ये है कि जितने यहाँ जो प्रूफ करना है वो फैक्टर फॉर्म में आ रहे हैं, तो जितने फैक्टर हैं हम कोशिश करें कि उससे कम फैक्टर हम बाहर निकाल लें बिना डिटरमिनेंट को ओपन करें। तो जैसे यहाँ 3 फैक्टर हैं तो देखिए हम कोशिश करेंगे कि इन 3 में से कोई 2 बिना ओपन के बाहर निकल आए। तो यहाँ पर कॉलम में 1 1 है इसलिए हमने R1 को रिप्लेस किया R1 - R2 और R2 को R2 - R3। ठीक,
तो आर वन में से आर टू कटा दिया और आर टू में से आर थ्री कटा दिया, वो आर वन और आर टू के आगे लिख दिया। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर, यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के फैक्टर कर दिए। अब पहली रो में कॉमन क्या मिला हमें, ए माइनस बी, बाहर निकाल लिया। दूसरी रो से कॉमन क्या मिला, बी माइनस सी, बाहर निकाल लिया। जो बचा उसको लिख लिया। अब देखिए पहले कॉलम में ज़्यादा जीरो मिल गए, पहले कॉलम से ओपन कर दिया, तो वन हमारा प्लस का होगा, वन की रो वन का कॉलम बंद करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई और माइनस इनकी मल्टीप्लाई, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया और हमारा फैक्टर सी माइनस ए भी आ गया। देखिए कितनी इजी तरीके से सॉल्व हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2019 में भी पूछा गया था 5 नंबर में। चलिए इसको देखते हैं। प्रूफ करना है 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब यानी x प्लस वाई प्लस जेड तीन बार मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो हम कोशिश करें कि दो बार तो हम निकाल ही लें। चलते हैं देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस टू जेड है, यहाँ x है यहाँ y है, तो अगर ये दोनों इसके साथ ऐड हो जाएं तो 2x और 2y हो जाएगा और 2z है, 2 कॉमन मिल जाएगा। तो इनको 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 जोड़ना है, तो c1 को हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है c1 प्लस c2 प्लस c3 से, ठीक। तो इन दोनों तीनों को जोड़ के लिख दिया, पहले कॉलम में कॉमन मिल गया 2x प्लस वाई प्लस जेड, पहले कॉलम में आ गया 1 1, बन गया ना क्वेश्चन सेकंड जैसा, 1 1 आया कॉलम में तो रो को माइनस कर दो, ठीक। तो यहाँ हमने रो को माइनस कर दिया, R2 को रिप्लेस कर दिया R2 माइनस R1, वो इसलिए किया क्योंकि माइनस का सिंबल आएगा अगर R1 माइनस R2 करेंगे तो, ठीक। R3 को कर दिया R3 माइनस R1, ठीक। करने पर हमें ये मिल गया। अब देखिए पहले कॉलम में ज़्यादा जीरो हैं, सबसे पहले 1 है तो 1 के रिस्पेक्ट में ओपन कर दिया, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और एक पहले से क्यूब हो गया, प्रूफ हो गया। बहुत से छात्र जो हैं वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं चैप्टर को, नहीं ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको दिक्कत होगी, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पुराने चैप्टर वो भूलते आएंगे, इसलिए रोज का रोज वीडियो देखें, अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को लगाएं। चलिए उसी बेस पे 4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। पहला जैसे हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन लगाया, सेकंड भी वैसे ही लगेगा, थर्ड जैसे अभी मैंने क्वेश्चन जस्ट आपको बताया थर्ड, और फोर्थ भी वैसे ही लगेगा। तो इन 4 क्वेश्चनों को आप लगाइए और बताइए कि आपका लगा या नहीं लगा। रेगुलर वीडियोज़ को देखते रहिए, जिसका जो भी चैप्टर छूटा हो, मैंने कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी, सांतत्य तथा अवकलनीयता, फिर मैंने आपको पढ़ाया लीनियर प्रोग्रामिंग यानी रैखिक प्रोग्रामन, फिर पढ़ाया इनवर्स टेक्नामेट्रिक फंक्शन, और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया मैट्रिसेस, और ये 5th चैप्टर यानी टोटल 5वां चैप्टर पढ़ा रहा हूँ डिटरमिनेंट, जो भी अब आधा हो चुका है, समाप्ति की ओर है। तो इसलिए जिन्होंने भी इन चैप्टरों को ना पढ़ा हो वो तुरंत इनके वीडियोज़, मेरा जो चैनल है आशीष मैथ क्लासेस, उस पर सारे वीडियोस अपलोड हैं, उसको रेगुलर जो है वो पढ़ते रहे, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ डाले हम लोगों ने, मान के चलिए कि कम से कम 30 नंबर का इतने चैप्टरों से मिलना फिक्स है। थैंक यू वेरी मच।